गाइज, अगर आप लोग भी अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज के मेरा ये नुस्खा आजमा लीजिए। डेफिनेटली आपको विद इन अ वीक इतना ह्यूज डिफरेंस दिखेगा अपने अंदर कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ये आपके सिर्फ एक बॉडी पार्ट पे नहीं बल्कि आपके शरीर में जहाँ भी फैट है उसके फैट को ये रिड्यूस करेगा, आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा। और अगर इसके साथ में अगर आपको ब्लॉटिंग की, कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की बहुत समस्या रहती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी जड़ से खत्म करेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, हम में से बहुत सारे लोग है भी जो एसिडिटी की रोजाना दवाई लेते हैं या वेट लॉस के लिए कोई पिल्स लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो दवाइयाँ होती हैं वो टेम्परेरी आपकी बॉडी पे काम करती हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को डबल तरीके से आपके अंदर लेकर आती हैं। लेकिन जो आयुर्वेदिक तरीके होते हैं वो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का जज्बा रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जानते हैं क्या है वो चीजें, क्या है वो नुस्खे। किसी भी नुस्खे को बताने से पहले आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ 3 प्रेशर पॉइंट जो आपके शरीर में बहुत अच्छे से इफेक्ट करेंगे, आपके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करेंगे, आपके शरीर में जहां फैट है उसको रिड्यूस करेंगे, साथ में आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करेंगे। बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आजकल की मॉडर्निटी में आकर हम बहुत सारी बेसिक चीजों को भूलते ही जा रहे हैं जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपका एक शेयर बहुत लोगों की जिंदगी को बेहतर बना देगा और उनके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर देगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रेशर पॉइंट है आपको अपने हाथ के थंब के पास इस सेंटर एरिया में आपको इस पॉइंट को अंगूठे से 10 से 12 बार प्रेशर देना है। 1-2 सेकंड तक आप प्रेशर दीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, फिर दोबारा प्रेशर दीजिए। इस पॉइंट को अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो ये आपके सारी जो भी पाचन से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको खत्म कर देगा, आपके डाइजेशन को बूस्ट कर देगा और आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो तो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा प्रेशर पॉइंट है हमारे यहाँ पर कलाई से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है। ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको जब भी आप फ्री हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने खाना खा रखा हो या नहीं खा रखा हो, तो भी आप इस प्रेशर पॉइंट को ज़रूर प्रेस करें। इसके लिए आपको स्पेशली टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं और इसका इफ़ेक्ट आपकी आंखों के सामने होगा। अब तीसरा प्रेशर पॉइंट है, अपनी बाजू को आप इस तरीके से फोल्ड करिए और ये जो कट होता है, जॉइंट होता है, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है अपनी फिंगर या फिर थंब से। ये हो गए हमारे 3 प्रेशर पॉइंट जिनको आपको डेली प्रेशराइज करना है और धीरे धीरे आपकी ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएंगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। लेकिन इसके साथ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी जो आप गर्मियों में इजीली फॉलो करके अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। ये रेमेडी ना सिर्फ आपके वजन को कंट्रोल करेगी बल्कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, स्पेशली गर्ल्स को, तो उन सब चीजों को भी ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगी, डायबिटीज को कंट्रोल करेगी, कैंसर से आपका बचाव करेगी, आपके स्किन पे आप समय से पहले चाहते हैं कि एजिंग ना आए तो उससे भी बचाएगी, आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करेगी। मतलब एक छोटी सी रेमेडी के इतने सारे बेनिफिट हैं। तो चलिए आज मैं बात कर रही हूँ जीरे के बारे में। जीरे को इस्तेमाल कैसे करना है, सबकी किचन में अवेलेबल तो होता है लेकिन उसका सही तरीका क्या है वो हमें नहीं पता होता। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, आपने रात को 1 चम्मच जीरे को 2 ग्लास पानी में आपको भिगोकर रख देना है। अब सुबह उठकर आपको 2 ग्लास पानी को इतना बॉईल करना है कि वो 1 ग्लास रह जाए। जब वो 1 ग्लास रह जाए तो आपको पानी को एकदम चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। तो जैसे ही आप उसको सिप सिप करके पियेंगे और जीरे को भी आपको चबाकर खा लेना है, लेकिन ऐसा आपको बासी थूक के साथ करना है। आप सुबह उठे, नॉर्मल फ्रेश हुए, आपने कुल्ला नहीं करना, आपने थूक नहीं फेंकनी, अपनी लार को उस पानी के साथ अंदर लेके जाना है। ये आपके बॉडी में एसिड को शांत करेगा, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करेगा, मेटाबॉलिज्म जो आपका स्लो हो चुका है वो बहुत
फास्ट हो जाएगा और जहां आपकी बॉडी में फैट है वो कट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस जीरा वाले पानी के बाद ही एक घंटे बाद आप अपना कोई भी ब्रेकफास्ट या अपनी कोई भी जो आपकी रूटीन की मेडिसिन चल रही है उसको आप इनटेक कर सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसर्न करके लें, तो आप इसको डेली इनटेक करें, लेकिन इसको एक महीने तक आपको रेगुलर फॉलो करना है। जब आपने एक महीना इसको फॉलो कर लिया तो फिर 15 डेज का गैप दें एंड दोबारा से इसको रीस्टार्ट करें, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी में कोई भी रेमेडी नहीं पीना होता जिससे कि आपकी बॉडी को उसकी हैबिट भी ना पड़े और उससे मिलने वाले बेनिफिट आपको खुद फील होने शुरू हो जाएंगे। तो बस इन चीजों को फॉलो करें, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाएं। और दूसरी टिप है कि आप पानी बहुत ज्यादा इनटेक करें। जब भी आपको भूख लग रही होती है बहुत ज्यादा तेज, तो उससे आधा घंटा पहले आप अच्छे से पानी पी लें, ताकि ओवर ईटिंग से आप बचेंगे और आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं। तो पानी एक ऐसी चीज है जो आपके वजन को कंट्रोल करती है, आपकी स्किन को अच्छा रखती है, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। तो ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें। प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।